करें। और झांसी प्रॉपर में भी 90 प्राइवेट हॉस्पिटल है, कभी तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम हो कभी अस्पताल जाओ तो देखना, कोई छोटा बच्चा ऐसा दिखे तो पूछते हो बेटा कौशल विकास जानते हो, तो वो बताएगा तुमको कि सर हम कौशल विकास से ट्रेनिंग लिए फला जगह बबीना बड़ा गाँव गुरुसराय में सेंटर था, तुम लोगों में हेल्थ केयर का शायद पता हो, तो यहाँ से बच्चे जाते थे अप डाउन करते थे। एक मर्सिडीज होती है बहुत बड़ी, बड़े लोग चला, बहुत महंगी कार होती है, उसमें कितनी 250 वैकेंसी है उसमें, मालूम है उसमें यदि सिलेक्शन होता है 6 महीने में तुम्हारा प्रमोशन हो गया, 30-40 हजार सैलरी हो जाती है। अगर मान लो काम आएगा आफ्टर प्रमोशन, आफ्टर आपको अभी 1 साल का उस पर काम करना है, सीखना है, करना है, उसमें भी सैलरी है, रहना खाना है, सारी व्यवस्था है। अब सर से मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी कंपनी के बारे में डिटेल्स में बता दें। कीर्ति मैम आ गई थी, कीर्ति मैम डीपीएम। अब मेरा नाम पवन शर्मा है, पुणे से आया हूँ और सर के माध्यम से मुझे बुलाया गया है, इसके चलते आप लोगों के लिए यहाँ विशेष कर आया हूँ। इसके अलावा और दूसरे कॉलेज नहीं थे, मैंने सारे कॉलेज छोड़ करके आपके यहाँ पे आया हूँ, कुछ तो रीजन होगा। सर ने बोला कि हमारे बच्चे लोग हैं यहाँ पे ब्लॉक में कौशल विकास आईटीआई से। अभी सर ने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, रोजगार अप्लाईमेंट ऑफिस आपने सभी ने सुना होगा, रोजगार कार्यालय नहीं जानते होंगे शायद, अप्लाईमेंट ऑफिस जानते होंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन करा करके हम लोग जॉब लिया करते थे। बट जो रोजगार आप अप्लाईमेंट ऑफिस में जाए करते थे, अब वो आपके ब्लॉक में ही हो रहे हैं। टेल के साथ साथ जैसे आप यहाँ बैनर एक देख पा रहे होंगे, तो इस बैनर में और भी चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। एक संस्था है जो हम लोग चलाते हैं, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन, और ये संस्था तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज के साथ में काम करती है और 18 से ज़्यादा राज्यों में काम करती है। इसका काम लोगों के वेलफेयर के लिए भी होता है, उनको सिखाने पढ़ाने और उनको नौकरी देने का। डेल इनमें से एक हमारी कंपनी है, इसी प्रकार से हमारे साथ मास्टर कार्ड, वोडाफोन, आपका विप्रो, सिस्को, इसी प्रकार से अलग अलग तरह की कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं और हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, हायरिंग करते हैं इन कंपनीज़ के लिए। पूरे साल वर्ष में पूरे साल कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से जिस रुचि में आप लोग होते हैं, किसी की फाइनेंस में रुचि होती है, किसी के एचआर में रुचि होती है, किसी की मार्केटिंग में होती है, कुछ लोग सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से अलग अलग तरह से हमारे पास में अलग अलग प्रकार की ओपनिंग्स आती रहती हैं, पूरे साल भर ओपनिंग्स रहती हैं। रोजगार के इस सुंदर मेला और महोत्सव के शुभ अवसर पर गरौठा भूमि की कन्या इंटर कॉलेज के इस पावन धरा पर हमारे साथ विराजमान आदरणीय चाचा जी अग्रवाल जी, जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, सामान्य अशोक दीक्षित जी और सभी संयोजक आयोजक साथीगण, विभिन्न कंपनियों से आए सभी का अभिनंदन करते हुए एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं आप सबका हृदय से वंदन और स्वागत इसलिए करता हूं कि आपने निश्चित रूप से, इसे कहा जाता है बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा रोजगार की आवश्यकता है, और अगर बुंदेलखंड में हम छांटें तो गरौठा तहसील विशेष रूप से रोजगार की डिमांड रखती है, और यहाँ आपने मेला आयोजित कर इन बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए जो आपने एक कदम उठाया, मैं आपका बारंबार स्वागत अभिनंदन। जो सुबह साक्षात्कार आयोग का आयोजन कराया गया था, उसमें जो बच्चे हैं उनके ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करा, मुख्य अतिथि महोदय, उनके ऑफर लेटर, प्रोविजनल लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे गेस्ट द्वारा,
उनके नाम लिए जा रहा है, कर एक एक करके मंच पर आते जाइए। रिंकी गरोठा, निधि से जल्दी जल्दी आती जाइए। वर्षा